हम लोग हमारे फोन के साथ सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ऑब्वियसली फोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने होते हैं और सबसे ज्यादा लाइक चाहिए होते हैं। लाइक कब मिलेंगे दोस्तों, जब आप अपने फोटो को अच्छी खासी तरीके से एडिट करते हैं, और अच्छी खासी तरीके से एडिट करने के लिए आप बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल करते हैं, उसमें से भी आपको वो ऐप नहीं मिल पाते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। तो वो दोस्तों मैं आज आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको 6 ऐसे मोबाइल ऐप बताने वाला हूं जो कि आपके फोटो में 4 चांद लगाने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो हमने काफी सारी रिसर्च करी कि आपके लिए कौन से एप्लीकेशन अच्छे होने चाहिए, हमने बेस्ट पिक किए हो दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर से लास्ट तक देखनी है। और हाँ, इस वीडियो में दोस्तों कुछ पुराने एप्लीकेशन भी है और कुछ नए एप्लीकेशन भी है। पुराने एप्लीकेशन के बारे में लोगों को सब पता है, लेकिन नए एप्लीकेशन भी कुछ आ गया जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे होंगे, तो ये भी मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, और आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद चूज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप होने वाला है। जी फ्रेंड्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तु टेक चैनल पे। वैसे 6 फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहां पे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो में स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, इन द सेंस ये कि पहले मैं आपको बताऊंगा 6वें नंबर की एप्लीकेशन और बाद में आपको बताऊंगा नंबर 1 की एप्लीकेशन जो पर्सनली मेरी ज्यादा फेवरेट है, इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। तो जो मेरी लिस्ट में 6वें नंबर पर एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है कॉमिक्स एंड कार्टून मेकर। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि कॉमिक्स का इन द सेंस ये है कि पहले जो कॉमिक्स आती थी उसमें आपको जो फोटो देखने को मिलते थे वैसे फोटो दोस्तों आप इसकी मदद से आप बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं लाइनर ड्रॉइंग। जी फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से फोटो बनाते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको बहुत सारे लाइक मिलने वाले हैं, लाइक के साथ दोस्तों आपको बहुत सारे कमेंट भी मिलने वाले हैं कि आपने ऐसे फोटो कैसे बनाए, कहां से बनाए, हमें भी बता दिए। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फोटो में 4 चांद लगा सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस टाइम पर ये वैसे भी क्रेज में है, तो अगर आपको पसंद है कॉमिक्स एंड कार्टून टाइप के फोटो बनाना तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से वो बना सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको 5वें नंबर की एप्लीकेशन बताने वाला हूं, ये दोस्तों मैं आप सभी के लिए रिकमेंड करता हूं। जी फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है हम जल्दी जल्दी में कभी फोटो खींच लेते हैं तो उस टाइम पर बैकग्राउंड का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फोटो तो बहुत अच्छा आ जाता है, बैकग्राउंड हमारा बेकार होता है, उस केस में हम लोग उस फोटो को कहीं पर पोस्ट नहीं करते हैं। आगे से दोस्तों आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आपको अब एप्लीकेशन बताने वाला हूं इसका नाम है टूल विज फोटोज। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को मात्र एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं, उतना ही नहीं दोस्तों आप अपने फोटो को ब्लर कर सकते हो, अच्छे अच्छे इफेक्ट दे सकते हो, इवन आप अपने हाथ से अपनी फोटो पर ड्राइंग भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। कमाल की एप्लीकेशन है, इसका नाम है टूल विज फोटोज। जरूर ट्राई कीजिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि फोटो को आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है तो ये दोस्तों एप्लीकेशन आपके लिए अच्छी एप्लीकेशन हो सकती है। और हाँ दोस्तों, जितने भी मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों 4थे नंबर एप्लीकेशन की। जी फ्रेंड्स, ये मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा नेचर की फोटो खींचते हैं, इन द सेंस कभी पेड़ के, कभी फूल के, इस टाइप के फोटो खींचते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों ये एप्लीकेशन उनके लिए है, जिसका नाम है दोस्तों आफ्टर लाइट। आफ्टर लाइट से आप समझ गए होंगे कि बाद में लाइट करना, जैसे कि सपोजिंगली आपने कोई फोटो खींचा फ्लावर का या ट्री का, किसी का फोटो खींचा, आप उस पर लाइटिंग करना चाहते हो तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से उस पर अच्छी खासी लाइट कर सकते हो दोस्तों, काफी सारा कूल उसको फ्लावर बना सकते हैं आप इस एप्लीकेशन की मदद से। इन द सेंस ये है कि अगर आपको नेचर के फोटो खींचते हैं सबसे ज्यादा तो ये दोस्तों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जरूर से होनी चाहिए, जिसका नाम है आफ्टर लाइट। ट्राई करना दोस्तों, अच्छी एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3rd नंबर की एप्लीकेशन दोस्तों, ये मैंने जरूर से अपनी लिस्ट में शामिल की है। इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों मैं आपको बता चुका आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पतले होते हैं उनको अपने आप को मोटा दिखाना होता है, या जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनको अपने आप को पतला दिखाना होता है, और आपने देखे भी होंगे कभी कभार आप शॉक में भी पड़ जाते होंगे, कोई आपका फ्रेंड होता है या कोई भी जिसको आप जानते हैं उसने फोटो पोस्ट किया पतले का और पहले था वो मोटा, तो आप कहीं ना कहीं शॉक हो जाते हो कि इसने पतला फोटो कैसे पोस्ट कर दिया, ये तो मोटा है। तो वो दोस्तों
इस एप्लीकेशन की मदद से करते हैं या फ्रेंड, जिसका नाम है दोस्तों फोटो एडिटर। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर सकते हो, पतली करनी है तो पतली कर सकते हो। उतना ही नहीं दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन की मदद से फोटोज के बैकग्राउंड्स को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ फिल्टर्स मिल जाते हैं दोस्तों, कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों फोटो एडिटर। बहुत सारे लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। कैसा लगा आपको ये बता करके हमें कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, इसको जरूर से आप डाउनलोड करना, क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इस तरीके से कोई फोटो अपना पोस्ट करेंगे, किसी को सेंड करेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों वो शॉक्ड हो जाएगा, सोचेगा कि आप तो पतले थे या आप तो मोटे थे, आप ऐसे कैसे हो गए। जरूर से ट्राई कीजिए दोस्तों। धीमे धीमे हम आ पहुंचे हैं दूसरे नंबर एप्लीकेशन की तरफ। ये दोस्तों कमाल की एप्लीकेशन है, मैं आपको बता दूं इसका यूज हम कब कर सकते हैं। कभी कभी हम शादी पार्टी में जाते हैं, उस टाइम पर हम फोटो क्लिक करते हैं, तो हो सकता है वो फोटो हमारा अंधेरे में क्लिक हो गया हो। अब उसको आप डिलीट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी से आप डिलीट कर दोगे तो आपकी वो यादें चली जाएगी। उस केस में आप उस फोटो को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप एडिट कर सकते हो जेफ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की मदद से, जिसका नाम है दोस्तों अडोबी लाइट रूम जेफ्रेंड्स। ये दोस्तों एप्लीकेशन कमाल की एप्लीकेशन है। इवन मैं ये कहूंगा कि अगर आपने अपने फोटो को अंधेरे में खींचा था और इसकी मदद से आप अपने फोटो में इतनी ज्यादा लाइट लगा सकते हैं कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा, इवन आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि आपने ये फोटो खींचा था वो अंधेरे का था और आपने इस एप्लीकेशन की मदद से उस फोटो में इतने चार चांद लगा दिए। जी फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन कमाल की एप्लीकेशन है दोस्तों, स्पेशली लाइट के लिए एप्लीकेशन है। इसीलिए अगर आपको फोटो खींचते हैं अंधेरे में और आपको लाइट चाहिए अच्छी खासी तरीके से, तो ये भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जरूर से होनी चाहिए। दोस्तों आप पहुंचे हैं नंबर वन एप्लीकेशन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर वन एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है और ये आपको जरूर से इंस्टॉल करनी चाहिए। इंस्टॉल करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है वो सारी एप्लीकेशन एक साइड और ये एक साइड बराबर है। चलिए फ्रेंड्स, इसका नाम है दोस्तों स्नैपसीड। ये दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है, क्योंकि ये गूगल की ही ऐप है जी फ्रेंड्स। इसमें आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं जो जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया है, वो सारी चीजें आपको एक ही एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फेस के एंगल को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें कमाल के फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों ऑल इन वन ऐप है, आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है दोस्तों। इवन मैंने आपको जितनी भी एप्लीकेशन बताई है वो सारी की सारी फ्री एप्लीकेशन है और सभी के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको जो भी एप्लीकेशन पसंद आई हो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों डाउनलोड करने से पहले हमें कमेंट में ये बता करके जरूर जाना कि आपको सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सी एप्लीकेशन लगी है और आप किसको डाउनलोड करने वाले हैं, जरूर से कमेंट में बता के जाना। आप कमेंट नहीं करते हमें अच्छा ही लगता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक मैं अगेन कहना चाहूंगा जरूर कर देना, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि वो लोग भी दोस्तों इन एप्लीकेशन की मदद से अच्छे अच्छे फोटो एडिट कर पाए। ऐसा नहीं करना दोस्तों कि मैं ही एडिट करूंगा, मेरा दोस्त एडिट नहीं कर पाएगा या वो सीख जाएगा, ये ऐसा नहीं करना है। इसीलिए आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो में नए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो चेक करना नोटिफिकेशन बेल आपने प्रेस किया है कि नहीं किया है। मैं फिर मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।